मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के दौरान मंच पर चप्पल फेंकी गई, वहीं जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन पर पत्थर भी फेंके गए और काले झंडे भी दिखाए गए। चप्पल फेंकने वाले एससी एसटी एक्ट का विरोध कर रहे थे। यह घटना मध्य प्रदेश के सीधी जिले की है। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। अपनी इस रथ यात्रा में शिवराज सीधी जिले के चुरहट पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उनका जमकर विरोध हुआ। लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए, उन्हें काले झंडे तक दिखाए। इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या है पूरा घटनाक्रम और किस ओर इशारा कर रहा है? इस पूरे मामले को बीजेपी जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ये सीधा सीधा एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ जो लोग खड़े हो रहे हैं ये उनकी हरकत बताई जाती है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसमें मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हुई है। और पिछले कुछ दिनों में देखें तो ग्वालियर में हो, भोपाल में हो, जबलपुर में हो या सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जो चप्पल उछाली गई है, जब वो सीधी में अपना भाषण कर रहे थे उस दौरान खींच के चप्पल उनको मारी गई जो उनके पास से टकरा के गिर गई। आप अगर वीडियो देखें तो उनकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो एकदम से उनको सुरक्षा घेरे में लेते हैं। उसके बाद सामान्य तौर पे ऐसी घटनाएं होती नहीं और ऐसी घटनाओं का समर्थन भी नहीं किया जाना चाहिए। शिवराज सिंह बहुत सहज सरल नेता हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी ने किया है उसको लेके लोगों में बहुत आक्रोश है, एट्रोसिटी एक्ट को लेके, और कांग्रेस के प्रति भी उतना आक्रोश है। जो लोग इसके विरोध में है एक्ट के, उनका साफ कहना है कि बीजेपी ने जब भी इसको पास किया तो उस समय कांग्रेस भी अपना मुंह बंद करके बैठी रही। तो आप देखें जगह जगह कहीं कांग्रेस के नेता का विरोध, कल कमलनाथ को काले झंडे दिखाए गए विदिशा में जब वो पहुंचे थे। तो ये विरोध अब नेताओं को झेलना पड़ेगा। लगातार अपनी मनमानी जब नेता करते हैं जनता की अनदेखी करके, तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं बहुत सामान्य है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सुरक्षा है उसको कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि इसके एक दिन पहले ही उनकी जो रथ है, जिस बस को उन्होंने रथ कहकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, उस पर एक पत्थर फेंका गया था, शीशे टूट गए थे सीधे में। तो वो सीधा सीधा आरोप जो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह उनके ऊपर था। तो मुझे लगता है ये राजनीति अभी और गर्माएगी, और एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करने वाले बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सामान्य लोग हैं, तो वो इसको अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी राय जाहिर की थी उसके बाद जो दीगर वर्ग के लोग हैं उन्होंने हंगामे किए थे, सड़कों पर आगजनी हुई थी, मारामारी हुई थी, लोग भूले नहीं है उसको। तो अब ये राजनीति के कारण एक वर्ग संघर्ष की स्थिति बन गई है जिसका शिकार फिलहाल नेताओं को होना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि ये घटनाएं बहुत जल्दी रुकने वाली नहीं है। जी अनुराग, अभी चुनावी समय है, चुनाव बहुत नजदीक हैं, और देखने में आया है कि सिर्फ बीजेपी का ही विरोध नहीं, कांग्रेसियों का भी विरोध भरपूर जनता में है। किसी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं चप्पलें फेंकी जा रही हैं। ये विरोध बहुत जायज है, इस विरोध को ये नहीं कह सकते कि एक तरफा है। हालांकि विरोध का जो तरीका है वो चप्पलें फेंकना या जूते फेंकना मुख्यमंत्री पे ये शोभा नहीं देता। विरोध के कई तरीके, आप काले झंडे दिखा रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ये सब चलता है, लेकिन किसी नेता पे चप्पल उठाना, जूता फेंकना, ये घटनाएं 2008 के बाद से तेजी से हमारे यहाँ शुरू हुई है, इनका विरोध किया जाना चाहिए। और जो भी लोग हैं वो मिल बैठ के बात करें, अपना विरोध दर्ज कराएं, उनको लगता है शिवराज सिंह कहीं गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वोट करने के लिए लोगों को आंदोलित करें, ये सब समझ में आता है लोकतंत्र में। चप्पलें फेंकना, जूते फेंकना, ये शोभा नहीं देता, लेकिन फिलहाल कांग्रेस बीजेपी दोनों को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर दोनों पार्टियों से लोग बहुत ज्यादा खफा हैं, और ये आगे अभी कोई उग्र रूप ना ले, ये लोग कहीं इस तरह की और हरकतें ना करें, इस पे अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। और जो सुरक्षा दस्ते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के हों या कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को कल जिस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा विदिशा में, या ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर हो, माया सिंह हो, जगह जगह विरोध हो रहा है, सिंधिया को विरोध का सामना करना पड़ा, गहलोत को करना पड़ा, तो ये सब देखने वाली बात है और इसको रोका जाना चाहिए। विरोध हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, अपनी बात
सबको कहना चाहिए, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन चप्पल जूते की मारामारी अगर वो लग जाता शिवराज सिंह को जूता चप्पल, उनको कुछ नुकसान पहुंचता तो ये अच्छे संकेत नहीं होते लोकतंत्र के लिए, और ऐसी घटनाओं का विरोध होना चाहिए। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराए। जी जी, शुक्रिया अनुराग पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए। जैसा कि अनुराग ने हमको बताया कि विरोध हो मगर शांतिपूर्वक तरीके से चप्पल फेंकने की घटना नहीं दोहराई जानी चाहिए। इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है हर अंचल में, हर क्षेत्र में, वो कांग्रेस के मित्रों की बौखलाहट का प्रतीक है। उनको जमीन पर काम करना चाहिए। मैं तो अपील करना चाहूँगा राहुल गांधी जी से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कमलनाथ जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर उनको ये सही लगता है तो वो करें, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सोचें क्या ये उचित है। हम शालीनता के साथ राजनीति करेंगे। मैं गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अनेक प्रकार की योजना बना के उनको न्याय देने के काम में लगा हूँ। एक साधारण परिवार से आने वाला कोई मुख्यमंत्री बन जाए इतने दिनों तक, ये उनको सहन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो जनता के बीच में जाए। चुनावी समय नज़दीक है, चुनाव बहुत नज़दीक है और इस तरीके के विरोध नेताओं को झेलने पड़ रहे हैं। शायद एससी एसटी एक्ट से और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें अधिक विरोध है, लेकिन विरोध का तरीका शांतिपूर्वक होना चाहिए। काले झंडे दिखा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, धरने पर बैठ सकते हैं, चप्पल फेंकने की घटनाएँ निंदनीय होती हैं।